बोरडी के गाड़ोलिया लोअर समाज ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को सौंपा ज्ञापन। रहवासी मकान दिलाने की मांग। रानी उपखंड क्षेत्र के जीवनकला ग्राम पंचायत के बोरडी गांव का है मामला। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही गैर मुमकिन रास्तों व रहवासी मकानों को लेकर जो कि अवैध अतिक्रमण के में बने थे उनकी शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जहां लोग गाड़ोलिया लोहा रह रहे हैं वहां पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। ऐसे में उनका जिला कलेक्टर के अगले आदेश तक टाल दिया गया था। इसी को लेकर गाड़ोलिया लोहा समाज ने आज पाली में जिला कलेक्टर नवीन मेहता को ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि यदि हमारे रहवासी मकान हमें नहीं मिले तो हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि पिछले कई सालों से हम यहीं रहते आ रहे हैं, ऐसे में हमारे घर उजड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सभी अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद कुछ जगह अवैध अतिक्रमण हटाया गया था, तो वही एक देवस्थान व देवस्थान में बनी एक गाड़ोलिया लोहार के मकानों को भी हटाने के आदेश थे, जिनके नोटिस मिले थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी को लेकर गाड़ोलिया लोहार समाज ने मकान नहीं हटाने तथा उन्हें रहवासी मकान दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या न्याय सबको बराबर मिलेगा या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के तो भी जो मकान बने हुए थे गैर मुमकिन रास्तों के पास बूढ़ा रूप सिंह जाने वाले मार्ग व हनुमान मंदिर के पास उनके तोड़ दिए गए हैं, लेकिन इन जो रहवासी मकान है जिसके अंदर गाड़ोलिया लोहार समाज के लोग रह रहे थे उनको फिलहाल नहीं तोड़ा गया है, वहाँ से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। ऐसे में क्या वहाँ भी अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा या उन मकानों को यथावत रखा जाएगा? अगर रखा जाएगा तो किस प्रकार, क्योंकि वो आबादी भूमि के अंदर मकान नहीं आते हैं। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए रहवासी मकान वही यथावत रहने को लेकर नमित मेहता जिला कलेक्टर से आग्रह किया है। बाबूलाल चैन को दी अंतिम विदाई। सैकड़ों की तादाद में उमड़े लोग पाली जिले के रानी उपखंड क्षेत्र के जीवन कला गांव में कल सुबह करंट लगने से बाबूलाल चैन की अपने ही दुकान में मौत हो गई थी। इसी को लेकर आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि मिली रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया था कि करंट की सूचना को लेकर विद्युत विभाग को 3 दिन पहले ही अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण बाबूलाल गहलोत की मौत हो गई। देसूरी पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया। देसूरी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में मध्य प्रदेश के बुड्डा गांव मंदसौर निवासी शाहिद पुत्र लाल मोहम्मद पठान को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 8 नवंबर 2020 का है। देसूरी हरिओम आश्रम स्थित बॉर्डर पर रात में देसूरी पुलिस की हथियारबंद नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान तस्करों ने देसूरी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान तस्कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस की गहन जांच के दौरान आरोपियों की धरपकड़ की गई थी। पुलिस जांच में आरोपियों द्वारा हथियार भी जब्त किए गए थे, मगर हथियार कहां से किसने सप्लाई किए, इस जांच में पुलिस ने बुड्डा गांव में मध्य प्रदेश निवासी साहिद को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनसंख्या समाधान भारत माता यात्रा रथ फालना पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जनसंख्या समाधान नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर भारत माता यात्रा रथ श्री किशोर खिमावत सर्कल फालना में पहुंचने पर ढोल नंगाड़ों एवं पुष्प वर्षा कर साधु संतों को दुपट्टा एवं फूल माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। श्री नारायण राम चौधरी पद्रेस फालना जनसंख्या समाधान नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर भारत माता यात्रा रथ श्री किशोर खिमावत सर्कल फालना में पहुंचने पर ढोल नंगाड़ों एवं पुष्प वर्षा कर साधु संतों को दुपट्टा एवं फूल माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री नारायण राम चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान पाली जिला अध्यक्ष खिमाराम चौधरी धारिया विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत महंत योगी रामनाथ अवधूत ने बारी बारी से जनता को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी।